समस्या है कि यहाँ पानी में हेल के पार होने पड़ता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे तो हम खेत पटा जा रहे हैं। कितना खेती किए हैं? खेती है 3-4 बीघा। क्या ये खेती के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो नहीं है, बाकी रास्ता चाहिए। खेती का यंत्र है, इसी तरह से सिर पर लेकर के जाते हैं पानी में हेल के? हाँ, तो ऐसे जाते हैं। खजरी पंचायत में खजरी और पचकेसर के बीच में एक नाला है। नाला के दूसरी तरफ 52 बीघे का खेती खंडा कहलाता है, जिसमें खास तौर से धान की फसल उगाई जाती है। इस नाले के ऊपर किसी तरह का कोई बांध नहीं है। बांध नहीं होने की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना खाद और कृषि संबंधित यंत्र ले जाने में करना पड़ रहा है। जब तक पुल नहीं बनेगा, जब तक पटवन नहीं हो सकता, ऊपर ऊपर पानी जाएगा, नीचे से उसका निकासी करके कलवट देकर पानी इसका पार कर जाएगा, तब यहाँ 52 बीघा के ठेक ही जो है ना, तब जाके सिंचाई के प्रबंध में और जाने आने में भी सुविधा हो जाएगा। पानी तो चौ बगल है, मगर रास्ता एक भी नहीं आने जाने का है। तो उस साइड पटवन कैसे होता है? पटवन ऐसे ही चाण करेंगे, मर मशीन भी ले जाने में बड़ी दिक्कत होता है, मगर अब क्या करा जाए। जब धान के ऊपर 52 बीघा के ठेकी मर भी जाता है, कभी समय पर पानी आल है चौबगल ऊपर मरे, मशीन नहीं जाएगा तो मरेगा नहीं। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका सिंचाई का पुल ऊपर और नीचे से कलभट दे के इसका पानी भी पार किया जाए ऊपर से, और ऊपर भी आदमी भी चला जाएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए करपी के एग्रीकल्चर अफसर साहब के मोबाइल नंबर 94312-78852 पे कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि यहाँ पे पुलिया निर्माण हो सके और साथ में पाइप भी लगाया जा सके, जिससे इनके खेतों तक पानी और जाने का रास्ता सुनिश्चित हो। मैं SM ज़फ़र, जिला अरवल, राज्य बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।